खबरों में बात करेंगे जनपद पौड़ी की, जहां पर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला मंच ने देश भर की जिम्मेदार महिला संगठनों के साथ मिलकर फैक्ट फाइंडिंग के लिए टीम गठित की है। ये टीम गुरुवार को अंकिता का गांव डोह श्रीकोट पहुंची थी और जहां पर उन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया है कि 20 सदस्यीय टीम दलों में बैठकर अलग अलग स्थानों का दौरा कर साक्ष्य जुटा रही है। दल में दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटका सहित अन्य राज्यों की वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठन भी शामिल है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। हमारी पूरी जांच का उद्देश्य कि कैसे अंकिता भंडारी की हत्या, इसको एक आसानी से ही और भूल ना जाए और जिन लोगों ने किया है उन लोगों को माफ कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं तगड़ा तगड़ी जांच हो, न्यायपूर्ण जांच हो और बिल्कुल सही जांच हो, ताकि सजा मिले जिन लोगों ने ये हत्या की है। पुलकित, सौरभ, अंकित जो एक टोली थी और उनके साथ हो सकता और लोग भी हो। उस रिजॉर्ट के जो मालिक है, उनके फादर, उनके पिताजी बीजेपी के बड़े नेता हैं और नेता को अपनी औलाद को यूं उनके जुर्म को कवर करना, मुझे लगता है जो अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वालों के ऊपर शोभा नहीं देता। ज़रूरत तो इस बात की थी कि अगर उन्होंने अनऑथोराइज जगह पर एक रिजॉर्ट बनाया है, अनऑथोराइज और घिनौने काम वो कर रहे हैं, तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए थी।